चलिए, तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपघटन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम हमारे पास कई एट्रीब्यूट वाली जो टेबल्स होते हैं उन टेबल्स को तोड़कर हमें एक से अधिक टेबल बनाना है। एक ऐसा टेबल, बड़ा टेबल जिसमें फील्ड की संख्या ज्यादा है, या एक ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है मच मोर है। लेकिन जब हमें उसका यूज करना है तो हमें कुछ ऐसे डेटास की जरूरत नहीं है, तो उन टेबलों को जो हमारे पास जिनकी आवश्यकता है उनको एक अलग टेबल में डाल सकते हैं, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अलग में डाल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम जो जो रिलेटेड डेटा है, जो जो फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड को एक टेबल में और दूसरे से रिलेटेड को दूसरे टेबल में, यानी बड़े टेबल को छोटे टेबल में विघटित करने की प्रक्रिया को डीकम्पोजिशन कहा जाता है। दो या दो से अधिक टेबल में डिवाइड किया जाएगा। डीकम्पोजिशन में जो टेबल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टेबल में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती रहेगी, उन कॉम्प्लेक्सिटी को हमें दूर करने के लिए, यानी कि टेबल में कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको आप हटाकर दूसरे तरह से विभाजित करने की प्रक्रिया ही डीकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, जो डेटा आपको शेयर किया गया है स्क्रीन, उसमें देखिए कि यहां पर एक टेबल है R, उस टेबल के अंदर फील्ड है A B C D E F G H, यानी कि टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड है वो है 8। अब एक रिलेशन जिसमें से क्रमशः हम 8 एट्रीब्यूट को दो टेबल में डिवाइड किए हैं, R1 एंड R2। R1 में R2 से संबंधित फील्ड रहेंगे वो रहेंगे। अब ये डीकम्पोजिशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है गुड डीकम्पोजिशन, जिसे हम लॉसलेस डीकम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें डेटा का कोई भी लॉस नहीं होता। जब भी कोई डेटा, कमल उधर से आवाज मत देना बेटा, है ना, सॉरी सर, म्यूट करना भूल गया। जब किसी रिलेशन को हम डिकम्पोज करते हैं तो जब वापस हमें वापस जोड़ना है, एक टेबल को हमने दो टेबल में डिवाइड कर दिया, सपोज दैट आर को हमने दो टेबल में डिवाइड किया, R1 एंड R2 में। जब R1 और R2 को जब हम फिर से वापस जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, वापस R ही मिलना चाहिए, यानी कोई भी डेटा का लॉस ना हो, इंफॉर्मेशन कुछ भी लॉस नहीं हो, और पुनः वही डेटा मिले जिस डेटा को हमने डिकम्पोज किया था। तो उस प्रकार की डेटा को हम कहते हैं गुड डिकम्पोजिशन या लॉसलेस डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देखिए, यहां पर जो एक टेबल है, इस टेबल में फील्ड है रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और फीस। अब इसे हमें दो टेबल में डिवाइड करना, तो देखिए दो टेबल में डिवाइड किए हैं, पहला टेबल का नाम हमने स्टूडेंट डिटेल और दूसरे का नाम क्या रख दिया है, स्टूडेंट कोर्स, जिसमें स्टूडेंट डिटेल में स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और उनका डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का हमें बेसिक डिटेल चाहिए, तो स्टूडेंट का बेसिक डिटेल में क्या रहेगा, स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ। लेकिन दूसरा टेबल जो है स्टूडेंट कोर्स, उसमें स्टूडेंट का नाम की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की फीस कितनी है, तो PGDCA का फीस, BCA का फीस, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग अगर है, अगर सेम है तो सेम, अलग अलग है तो अलग अलग। तो यहां पर हम जब फी टेबल की बात करते हैं कोर्स टेबल का, तो कोर्स के साथ क्या रहना चाहिए, क्लास और फीस, क्या रहना चाहिए, सिर्फ क्लास और उसका फीस। और स्टूडेंट टेबल की बात करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो जब वापस इस टेबल को हम जोड़ेंगे तो पुनः हमें वही टेबल मिलेगा जो टेबल हमारा पहले ही था, तो इसे हम क्या कहेंगे, गुड डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे इसे हम, गुड डिकम्पोजिशन। और दूसरा जो है हमारा वेट डिकम्पोजिशन, वेट डिकम्पोजिशन में
जब हम डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं और जब उसे हम पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें वही टेबल वही रिलेशनशिप प्राप्त नहीं होता है जो पहले था। तो इस प्रकार के डेटाबेस को हम कहेंगे बैड डिकम्पोजिशन। क्यों बैड डिकम्पोजिशन कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर डेटा का लॉस हो गया।